हेलो और वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने के सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि सवाल है कि सर रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री होगी, इसको कैसे पहचाना जाए। देखिए बहुत आसान तरीका है, जितनी भी रिसीविंग्स होती हैं, यानी जो भी रिसीविंग्स होंगी, चाहे जिस भी तरह की रिसीविंग हो, सारी की सारी रिसीविंग्स की एंट्री कहाँ पर पास होती है, सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर में ही पास होती है। यानी जितनी भी रिसीविंग्स होंगी उनकी एंट्री आप केवल और केवल रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब कोई भी कंपनी हो, जैसे मान लीजिए यही कंपनी है myownshop.com, इसको ओपन करते हैं। अब इसमें रिसीविंग कैसे होगी, कौन सी एंट्री, जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि 50,000 कैपिटल रिसीव कराया कंपनी में, तो इसकी भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में होगी जो कि आप पहले से जानते हैं। दूसरी एंट्री कौन सी रिसिप्ट वाउचर में होगी, जब भी हम सेल्स करेंगे तो सेल्स करते समय जबकि क्रेडिट डेटर पार्टी की बात आएगी तो ऐसे में एंट्रीज होंगे रिसिप्ट वाउचर में। कैसे होंगी एंट्रीज, आइए दिखाता हूं। देखिए यहां पर वाउचर का वी हाईलाइट है तो हमें वी प्रेस करना है वाउचर में जाने के लिए। अभी हम है पेमेंट वाउचर में, लेकिन हमें कहां चलना है, हमें चलना है सेल्स वाउचर में, तो F8 प्रेस करते हैं, आ जाते हैं सेल्स वाउचर में। अब यहां पर एक जो है कस्टमर का लेजर हम बनाते हैं, यानी डेटर पार्टी का लेजर बनाते हैं, तो कस्टमर 5 कर दिया हमने, नाम दे दिया एक, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। यहां पर सन्ड्री डेटर ग्रुप रहेगा, क्या रहेगा, सन्ड्री डेटर, तो ये सन्ड्री डेटर कर दिया, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये सब ऐसे ही रहेगा। एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कराइएगा, एंटर एंटर करके ये एक्सेप्ट हो गया। अब एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है। और कस्टमर का तो कोई GSTIN होता नहीं है। यहां पर आता है सेल्स का लेजर, तो Alt C करके बना लीजिएगा, मेरे पास पहले से बना हुआ है जिसका ग्रुप, वैसे लेजर तो बनाएंगे सेल्स अकाउंट का, लेकिन इसका ग्रुप होता है सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट के ग्रुप में इसे डाल दीजिएगा, मैंने पहले से बना रखा है तो मैं इसे ले लेता हूं। और अब हम कुछ सेल करेंगे, तो जो भी प्रोडक्ट हमारे पास होगा उसी को सेल करेंगे। तो देखिए फिलहाल हमारे पास कौन से प्रोडक्ट है, माउस है हमारे पास, 17 माउस है, उसको हम सेल कर देते हैं। तो 15 हम इसमें से सेल कर रहे हैं, एक की सेलिंग रेट 350 रुपए, कोई डिस्काउंट नहीं है इस पे। और यहां पर आकर के क्या करना है आपको, अभी तो यहां पर एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, यहां पर दे देंगे द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ये क्रेडिट में सेल किया जा रहा है, ठीक है, ये बता दिया हमने, नरेशन में भी बता दिया। अब देखिएगा यहां पर कहानी शुरू होती है रिसिप्ट वाउचर की, कितने की सेल हुई है उसको देख लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आते हैं, इसके बटन प्रेस करते हुए आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, ये टैली की मेन मेन्यू है, यहां से के प्रेस करना है एक बार, ओके के प्रेस करेंगे तो यहाँ कस्टमर 5 यही हमारा एंट्री था, इसको अल्ट पी करके और एंटर करेंगे और आई बटन प्रेस करेंगे तो आप प्रीव्यू भी देख पाएंगे। देखिए इसका प्रीव्यू दिखाई पड़ रहा है, इस तरीके से इसका प्रीव्यू आएगा, ठीक है, ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है। कितने का ये बिल है, 5,250 रुपए का बिल है, ठीक है, 5,250 रुपए का बिल है। तो अगर 5,250 रुपए का ये बिल है तो इतना ही ये जो कस्टमर 5 हैं इनको पैसा पे करना होगा, तो पे करना होगा तो किसको पे करेंगे ये, तो जरा देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इस बिल के ऊपर आपको ये दुकान का नाम दिखाई पड़ेगा, ये जो दुकान का नाम है ये इन्हीं को पे करना है, myownshop.com को ये कस्टमर 5 जो है पे करेंगे, ठीक है, कस्टमर 5 जो है पे करेंगे myownshop.com को 5,000 समथिंग जो भी रुपए हैं, 5,250 रुपए ये पे करेंगे। तो अभी कैसे पता चलेगा कितना ही पे करना है, तो आप सीधा आइएगा रिसिप्ट वाउचर में, कहाँ आना है आपको, रिसिप्ट वाउचर में से वी बटन प्रेस करके आ जाइए रिसिप्ट वाउचर में। अभी हम पेमेंट में, रिसिप्ट में जाने के लिए क्या करना है, F6 प्रेस करना है, तो F6 प्रेस कर लीजिए, आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में। आपको यहाँ पर क्रेडिट दिखाई पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्रेडिट दिख रहा है, ऊपर पर्टिकुलर लिखा हुआ दिखाई देगा, हमारे जो कस्टमर थे उनका क्या नाम था, कस्टमर 5 यही था ना, तो इसका लेजर हमें केवल इंसर्ट करना है, वो लेजर ही हमें ये बता देगा इंसर्ट करते ही कि इनसे कितना रुपया प्राप्त करना है, पैसा प्राप्त करना यानी रिसीव करना, तो उसकी एंट्री तो हम रिसिप्ट वाउचर में ही करेंगे और तो कहीं करेंगे ही नहीं। तो यहां पर पैसा प्राप्त करना है, तो देखिए 5,250 रुपए तुरंत आ गया। अब ये पैसे ये कैश में दे रहे हैं तो 5,250 यहां पे डाल दीजिए और यहां पे एंटर कीजिए, और यहां पे देखिए कर्सर अपने आप आ जाएगा अगेंस्ट रेफरेंस पर, क्योंकि एक बिल है जिस बिल के अगेंस्ट में ये पेमेंट हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे बिल नंबर वगैरह सब कुछ आ जाता है, एंटर करेंगे और ये पैसे कैश में मिलेंगे तो ये कैश हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पे कैश रुपीज नरेशन में डाल देंगे, कैश रुपीज 5,250
5,250 पेड बाई कस्टमर फाइव, कस्टमर फाइव, ठीक है, ये दे दिया हमने और एंटर कर दिया, तो ये आपका नरेशन हो गया, ठीक है। अब ये काम हो गया, अब अगर आप दोबारा से इंसर्ट करते हैं उसी लेजर को, तो अब आपको वहां पर जीरो दिखाई पड़ेगा। तो देखिए यहां पर जैसे ही इंसर्ट किया हमने, तो यहां पे आपको जीरो नजर आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिसिप्ट वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।